प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र अध्याय 4 चुनावी राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को निरंतर जीवित रखने के लिए चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक निश्चित समय के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है, इसी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? जब किसी भी देश में लोकतंत्र हर 5 वर्ष बाद चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए जाते हैं तो वो लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कार्य करता है। नंबर 1, हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार होता और हर व्यक्ति के मत का समान मूल्य होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के मत का मूल बराबर होता है। सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। अगला पॉइंट, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, लोगों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। हमारे देश में लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है और हर पार्टी, एक से अधिक पार्टी भी चुनाव प्रक्रिया में खड़ी होती है। अगला पॉइंट, नए चुनाव कुछ वर्षों के अंतराल में जरूर कराए जाने चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर लोकतंत्र में 5 वर्ष बाद चुनाव जरूर कराए जाते हैं, इसलिए कि लोकतंत्र सदा जीवित रहे। अगला पॉइंट, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। लोकतंत्र में जब एक से अधिक पार्टियां चुनाव प्रक्रिया में उतरती है तो लोग जिसको चाहते हैं अपने विकल्प के रूप में उसी को मतदान करते हैं और वो पार्टी जीत करके सरकार बनाती है। अगला पॉइंट, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। लोकतंत्र को बहुत अधिक समय तक जीवित रखने के लिए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। चुनाव प्रतिस्पर्धा के कारण, जब हमारे लोकतंत्र में एक से अधिक पार्टी चुनाव में खड़ी होती है तो चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है और लोगों को मत देने का अनेक विकल्प मिल जाता है। जब चुनाव में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां खड़ी हो तो वह चुनावी प्रतिस्पर्धा कहलाती है। भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा होना आम बात है। अब हम जानेंगे चुनावी प्रतिस्पर्धा से नुकसान। इसमें हर घर हर बस्ती के बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। जब हमारे लोकतंत्र में एक से अधिक पार्टियां जब चुनाव विकल्प के रूप में आती है तो हर मतदाता एक ही परिवार के अनेक अनेक पार्टियों को मतदान करने के लिए उनको विकल्प मिल जाते हैं, जैसे परिवार में ही तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट, विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। जब लोकतंत्र में एक से अधिक पार्टियां खड़ी होती है तो एक दूसरे पार्टी की आलोचना करती है और अपना अपना एजेंडा प्रस्तुत करती है, जिससे मतदाता प्रभावित होकर के अपना विकल्प के रूप में मतदान कर सकें। अगला पॉइंट, पार्टियां या उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब अनेक या एक से अधिक पार्टियां चुनाव में उतरती है तो अपना एजेंडा प्रस्तुत करती हैं और साम दाम दंड भेद की तरह से चुनाव जीतने का प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। इतने बड़े लोकतंत्र में एक गरीब आदमी को चुनाव लड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि इतना चुनाव में पैसे खर्च होता है कि एक गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनावी प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है, क्योंकि इसे जीवित हुई पार्टियों पर दबाव रहता है वह अच्छा काम करे। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण है कि एक विपक्ष के रूप में एक पार्टी होती है, वो जो है हमेशा सरकार की आलोचना करती रहती है, जो सरकार की अच्छे ढंग से कार्य कर सके। अगला पॉइंट,
चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण जीती हुई पार्टी को डर होती है कि अगर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए तो लोग अगली बार किसी और को चुन लेंगे। जो सरकार चलाती है उसको हमेशा विपक्ष के जो पार्टी उसे डर के रूप में कार्य करना पड़ता है कि हम यदि अच्छे काम नहीं करेंगे, जनता के हित की दृष्टि से काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमारी सरकार नहीं बन सकती है और विपक्ष में जो पार्टी बैठी है उसकी सरकार आ सकती है। अगला पॉइंट, चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण ही लोगों को ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। जब हमारे देश में ऐसे अधिक पार्टियां जब आती हैं तो हमको एजेंडा रूप प्रस्तुत करती हैं तो हमको मत देने की पूर्ण आज़ादी मिल जाती है और अपने मनचाहा वित्त को मतदाता के रूप में मतदान कर सकते हैं। चुनाव में हमारी प्रणाली क्या है? हम जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। लोकतंत्र को हम जीवित रखने के लिए हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। 5 वर्ष की सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर इसी चुनाव क्षेत्र में होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। जब किसी भी लोकतंत्र में 5 वर्ष बाद चुनाव कराए जाते हैं तो वह चुनाव आम चुनाव कहलाता है। मतभेद चुनाव उसे कहते हैं जब 5 वर्ष के पहले लोकसभा या विधानसभा भंग कर दी जाती है, उसके बीच में ही चुनाव करा लिए जाते हैं तो उसे हम मतभेद चुनाव कहते हैं। उपचुनाव उसे कहते हैं जब कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है या अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उस सीट के लिए जो चुनाव होते हैं उसे हम उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या पद से इस्तीफा, खाली सीट के लिए चुनाव उपचुनाव कहलाता है। निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। किसी भी लोकतंत्र में जब निर्वाचन क्षेत्र को कई भागों में या कई सीटों में बांटकर चुनाव कराए जाते हैं तो उसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नंबर एक, लोकसभा के चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला, विधानसभा के लिए हर राज्य के लिए निम्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और चुनाव कराए जाते हैं। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा जो पार्टी चुनाव जीत के आती है पूर्ण बहुमत से अपने लोकसभा के बहुमत दल का नेता चुनते हैं, उसी को प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इसी तरह से जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जो पार्टियां अपनी पूर्ण बहुमत में होती है तो अपना विधानसभा के बहुमत दल का नेता चुनती है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जात SC और अनुसूचित जनजात ST के लिए आरक्षित होती है वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पर सिर्फ अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और सभी वर्ग के लोग ही मतदाता के रूप में मतदान कर सकते हैं। मतदाता सूची मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची मतदाता सूची कहलाती है। निर्वाचन आयोग जो है मतदाता सूची हर 5 वर्ष बाद जारी करता है और उसको हम मतदाता सूची कहते हैं। भारत में हर व्यक्ति जिसकी आय 18 वर्ष से अधिक हो वह मतदान के योग्य होता है। वह व्यक्ति मतदान कर सकता है जो पागल दिवालिया न हो। बच्चों, आज का अध्ययन हम लोग इसी के तहत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।